डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर में हम ब्लड का अध्ययन कर रहे थे और इसमें हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को देख लिया है, साथ में हीमोग्लोबिन को भी एक हद तक पढ़ रखा है। अब अगली बात देखते हैं हम हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अभी तक हम हीमोग्लोबिन की इतनी महिमा गाथा गा रहे हैं, तो आखिरकार हीमोग्लोबिन का क्या महत्व है इसको हम देखना चाहते हैं। हमने जब पहला वीडियो बनाया था, पहला वीडियो में देखा था, पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन जो होता है उसको रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स बोलते हैं, यानी ये एक श्वसन वर्णक है। इसका मुख्य कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना, ये इसका मुख्य कार्य है। हमने श्वसन क्रिया में जो गैस ली है ऑक्सीजन, वो हमारे फेफड़ों में आएगी और फेफड़ों से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाने का काम ब्लड करता है, और ब्लड में भी आरबीसी करता है और आरबीसी में हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में भी आयरन। सेम वे में CO2 को भी वापस शरीर के विभिन्न ऊतकों से फेफड़ों तक लाने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है। तो इस तरीके से हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या हो गया, श्वसन गैसों का परिवहन करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या हो गया, श्वसन गैसों यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, जब ये हीमोग्लोबिन, जब हम श्वसन क्रिया में कोई गैस लेते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन होती है वो फेफड़ों में आएगी और फेफड़ों में से हीमोग्लोबिन उससे जुड़ेगा और जुड़ करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। फेफड़ों के अंदर जो हमने श्वसन क्रिया से गैस ली ऑक्सीजन, वो किससे जुड़ी, हीमोग्लोबिन से, और इन दोनों ने जुड़ करके क्या बनाया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के प्रत्येक ऊतकों तक ब्लड के द्वारा ये ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ जाकर के टूट जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल जाएगा और वो ऊतकों में चला जाएगा। फिर वहाँ से ऊतकों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड इस हीमोग्लोबिन से जुड़ करके कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगी और ये कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन वापस कहाँ आएगा, ऊतकों से आएगा, कहाँ आएगा, फेफड़ों में आएगा, लंग्स में, और वहाँ आकर के CO2 टूट जाएगी और हीमोग्लोबिन वापस अलग हो जाएगा और ये CO2 फिर आपके फेफड़ों से शरीर से बाहर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये जो हीमोग्लोबिन होता है उसका मुख्य फंक्शन होता है ऑक्सीजन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों से शरीर के विभिन्न ऊतकों तक ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न ऊतकों से कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों तक लाना, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हीमोग्लोबिन इस CO2 और ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ रहा है वो रिवर्जिबल रूप से जुड़ता है, परमानेंट नहीं जुड़ता, क्योंकि जहाँ से जुड़ रहा है उसको जहाँ जाना है वहाँ तक जाने के बाद ये टूट करके वापस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से अलग हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन के फंक्शन में अगली बात है कि हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ता है वो ऑक्सीडेशन नहीं कहलाता है बल्कि ऑक्सीजनेशन कहलाता है। वो ऐसे कि केमिस्ट्री में हम जानते हैं कि जब भी ऑक्सीजन किसी मेटल के साथ जुड़ता है, जैसे यहाँ पर हमारा आयरन आयरन के साथ जुड़ेगा या किसी के भी साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको हम ऑक्सीकरण कहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ रहा है या आयरन के साथ जुड़ रहा है तो उसको हमें ऑक्सीकरण कहना चाहिए, ऑक्सीडेशन कहना चाहिए, पर हम उसको ऑक्सीडेशन इसलिए नहीं कहते क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है वो आयरन के साथ जुड़ने के बाद भी उसके संयोजकता में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो फेरस का फेरस ही रहता है, Fe+2 ही रहता है, Fe+3 यानी कि फेरिक में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए इसको हम ऑक्सीजनेशन कहते हैं। बात समझ में आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन नहीं है बल्कि क्या है, ऑक्सीजनेशन। ऑक्सीडेशन क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन आयरन के साथ जुड़ता है फिर भी आयरन की संयोजकता सेम बनी रहती है, Fe+2 की Fe+2 ही रहती है, Fe+3 नहीं होती है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीजनेशन। हीमोग्लोबिन फंक्शन के अंदर अगली बात यह है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा के साथ जुड़ता है, तो हीमोग्लोबिन का 1 ग्राम ऑक्सीजन के लगभग 1.36 से लेकर 1.367 मिलीलीटर तक जुड़ता है, यानी प्रत्येक ग्राम हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन की 1.36 से 1.37 मिलीलीटर ऑक्सीजन जुड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट बात,
हीमोग्लोबिन के फंक्शन में हम देखेंगे कि हीमोग्लोबिन के साथ में केवल ऑक्सीजन ही नहीं जुड़ती, इसके अलावा भी जो गैसें हैं जैसे कार्बन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह, ये सारी गैसें जो होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ती है। और इनकी जुड़ने की जो एफिनिटी है, बंधन की जो क्षमता है, वो अलग अलग गैसों की अलग अलग होती है। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो वो हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन से भी ज़्यादा है, यानी कि लगभग 200 गुना ज़्यादा है। अब अगर कोई व्यक्ति एक ऐसे वातावरण में जहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की जो अनुपातिक मात्रा है वो ज़्यादा है, ऑक्सीजन जितनी होनी चाहिए उस ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी कम है, यानी 20.8 होती है वातावरण में और उससे थोड़ी ऑक्सीजन का मामला कम है और कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होगी वो हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी। और क्यों जुड़ेगी ज़्यादा मात्रा में? क्योंकि उसकी हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ज़्यादा है, 200 गुना ज़्यादा। तो अब ये जो 200 गुना ज़्यादा होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ करके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से जुड़ने वाले जितने भी स्थान हैं उनको भर देगी और ऑक्सीजन अब हीमोग्लोबिन से नहीं जुड़ पाएगी और इस तरीके से व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, एनोक्सिया होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। मैं इस बात को रिपीट करना चाहूँगा यहाँ पर कि वातावरण की बाकी की जो गैसें हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, वो हीमोग्लोबिन से जुड़ने के लिए ऑक्सीजन से कंपटीशन करती है, ठीक है। और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड 200 गुना ज़्यादा तेज़ी के साथ हीमोग्लोबिन से जुड़ सकती है। अब अगर ऐसे वातावरण में हो जहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड थोड़ी ज़्यादा है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और हीमोग्लोबिन में जिस जगह पर ऑक्सीजन जुड़ती थी अब वहाँ कौन जुड़ गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब ऑक्सीजन वहाँ नहीं जुड़ पाएगी, ऐसी स्थिति में व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है कि सर्दी के दिनों में लोग जो होते हैं अपने घरों में अंगीठी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं। अब घरों के सारे दरवाजे बंद होते हैं, सारी खिड़कियाँ बंद होती है, यानी उसमें ताज़ा हवा की कमी होती है और ऐसी स्थिति में जब वहाँ कोयला जलाया जाता है तो फिर एक गैस बनती है, क्योंकि कोयले का पूर्ण दहन नहीं होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपके श्वास के साथ फेफड़ों में जाकर के हीमोग्लोबिन से जुड़ जाएगी और जब हीमोग्लोबिन से कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ जाएगी तो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं मिलेगा और इस तरीके से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और इस तरीके से उस व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए हम अखबारों में पढ़ते हैं सर्दी के दिनों में कि बंद कमरे में दो व्यक्ति मरे हुए मिले। क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने अंगीठी जला रखी थी। अंगीठी जलाने से पूर्ण दहन न होने से कौन सी गैस बनी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। हीमोग्लोबिन से जुड़ने की वजह से ऑक्सीजन नहीं जुड़ पाई और इस तरीके से उस व्यक्ति में ऑक्सीजन की कमी हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। हीमोग्लोबिन के साथ में केवल कार्बन मोनोऑक्साइड ही नहीं जुड़ती है, इसके अलावा सल्फाइड है, सल्फर मोनोऑक्साइड है, साइनाइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सब जुड़ते हैं और ये सब हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ करके हीमोग्लोबिन को टॉक्सिक बना लेते हैं, जहरीला बना देते हैं और अगर इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि ये सब जुड़ने की वजह से क्या होगा कि हीमोग्लोबिन की जिस जगह पर ऑक्सीजन जुड़ता था वो जगह भर गई ना, अब उस जगह पर ऑक्सीजन तो जुड़ नहीं पाएगा तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ऐसी स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी एंड एक्सिस से संबंधित डिसऑर्डर। अभी तक हमने 3 पॉइंट पढ़ लिए। सबसे पहला पॉइंट पढ़ा हमने हीमोग्लोबिन का संश्लेषण कैसे होता है, इसके बाद में यहाँ पे हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन का प्रकार और इसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ा था हीमोग्लोबिन का फंक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं हीमोग्लोबिन की कमी और अधिकता संबंधित विकार। तो सिंपल सी बात है, हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब होता है नंबर ऑफ आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी होगी तो सिंपल सी बात है हीमोग्लोबिन भी कम हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में मिलता है। या फिर ब्लड लॉस हो जाए, जैसे कहीं एक्सीडेंट हो गया और आपकी बॉडी में किसी व्यक्ति की बॉडी में ब्लड की कमी हो गई और ब्लड की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? आरबीसी की कमी हो जाएगी और आरबीसी की कमी होगी वजह से क्या होगा? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, पोषक तत्व की कमी है, जैसे विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, आयरन की कमी है ना, बायोटिन की कमी है, तो ऐसे पोषक तत्व की कमी होने की वजह से आरबीसी का और हीमोग्लोबिन का निर्माण प्रॉपर नहीं हो सकता है, ठीक है। जैसे आयरन है तो आयरन की कमी हो जाए तो ब्लड जो होता है वो हाइपोक्रोमेटिक हो जाता है, ब्लड सेल जो होती है वो माइक्रोसिस्टिक हो जाती है, आकार में छोटी रह जाती है आरबीसी। तो इस तरीके से हमने देखा कि ब्लड का लॉस होने की वजह से, न्यूट्रिशनल पदार्थ जो होते हैं उनकी कमी की वजह से बोन मैरो में गड़बड़ी हो जाए, कीमोथेरेपी करवाने से, किडनी फेल हो जाने से,
या फिर सिकल सेल एनीमिया वगैरह ऐसी स्थितियों के अंदर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्या हो जाती है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। एक पॉइंट आता है हीमोग्लोबिनोपैथी, यानी कि हीमोग्लोबिन तो आपकी बॉडी में उतनी ही मात्रा में जितना कि एक सामान्य व्यक्ति में होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन प्रॉपर रूप में नहीं है, जिस रूप में होना चाहिए ऐसा फंक्शनल नहीं है, ऐसा एक्टिव नहीं है, तो इसको हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं। जिसमें सिकल सेल एनीमिया रोग आपने पढ़ा, अभी थैलेसीमिया पढ़ा, तो ये इसके बाद एक और रोग है पोरफायरिया। इन रोगों में क्या होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा तो लगभग नॉर्मल रहती है, लेकिन हीमोग्लोबिन जो होता है वो फंक्शनली एक्टिव नहीं होता। पोरफायरिया रोग जो होता है इसमें हीम का जो संश्लेषण होता है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है, और ये वाला रोग जो इंग्लैंड के राजा किंग जॉर्ज थर्ड में देखने को मिला था वहीं से ये फेमस हुआ है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन की कमी के बारे में, डेफिशिएंसी के बारे में। अब हम हीमोग्लोबिन की अधिकता के बारे में देखते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब हीमोग्लोबिन अधिकता तब होगी जब आरबीसी की मात्रा अधिक हो। आरबीसी की मात्रा अधिक यानी कि पॉलीसाइथीमिया, पॉलीसाइथीमिया हो जाने की वजह से हीमोग्लोबिन भी बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीसी ज़्यादा मात्रा में है। और ऐसा कई सारे जेनेटिक डिसऑर्डर में होता है, जैसे कोजेनिटल हार्ट डिजीज है, प्लूमनोरोफाइब्रोसिस है, इरिथ्रोपोइटिन की मात्रा अधिक हो जाने की वजह से। इसके बाद में स्मोकिंग में भी कई बार हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ट्यूमर्स वगैरह जो होते हैं, कैंसर की गांठ वगैरह, उसमें भी कई बार हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। और हाई अल्टीट्यूड्स, ऊंचाई पर जाने पर भी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। ऊंचाई वाले जो जगह होती है, पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा ज़्यादा होती है। पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि हवा कम होती है, विरल होती है, रेयर होती है, तो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और सांस लेने में दिक्कतें आती है। तो अब क्या है, हवा कम है, ऑक्सीजन की मात्रा पहाड़ों पे कम होती है, तो हम ऑक्सीजन को तो बढ़ा नहीं सकते। ऐसी स्थिति में हमारे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की आपूर्ति को, सप्लाई को बराबर बनाए रखने के लिए हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये हो गई हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी और एक्सेस के संबंधित डिसऑर्डर। अब हमारा इस हीमोग्लोबिन का लास्ट पॉइंट है मायोग्लोबिन। तो मनुष्य तथा कई वर्टिब्रेट्स के अंदर हीमोग्लोबिन की तरह ही ऑक्सीजन से बाउंड करने वाला, ऑक्सीजन से बाइंड करने वाला, जुड़ने वाला एक प्रोटीन पाया जाता है जिसका नाम है मायोग्लोबिन। यह मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन के समान ही है, ये भी ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है, यानी एक तरीके का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। इसमें भी हीम पाया जाता है, इसमें भी आयरन पाया जाता है, आयरन भी प्लस टू फेज में ही पाया जाता है। तो इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन के समान है। ये कई सारी बातें मैंने जो भी बताई वो इस मायोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन से समानता दर्शाती है। पहली बात, ये ऑक्सीजन से बाइंडिंग करता है, इसके अंदर हीम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन प्लस टू फेज में पाया जाता है, इसके अंदर भी ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। इस तरीके से ये हीमोग्लोबिन के समान एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। अंतर ये है कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है, जबकि ये मसल्स में पाया जाता है मायोग्लोबिन। दूसरा अंतर यह है कि आरबीसी के साथ में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जबकि मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करता है, मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट करने का काम करता है ऑक्सीजन को। इसके बाद में मायोग्लोबिन जो होता है वो मोनोमर होता है, जबकि हम जानते हैं हीमोग्लोबिन टेट्रामर है। हीमोग्लोबिन के अंदर चार चेन पाई जाती है, जबकि मायोग्लोबिन के अंदर एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है, और उसके अंदर अमीनो अम्ल की संख्या होती है 153। तो ये अंतर हो गई। वापस मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूँ कि मायोग्लोबिन एक हीमोग्लोबिन के समान मेटलोप्रोटीन है, जो कि मनुष्य समेत कई सारे वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है। इसके अंदर ऑक्सीजन की जुड़ने की क्षमता, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स है। इसके अंदर भी हीम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, आयरन प्लस टू में पाया जाता है, प्लस टू फेज में पाया जाता है। ये सारी बातें हो गई इसकी समानता की। अंतर के अंदर हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो होता है वो आरबीसी में पाया जाता है, जबकि मायोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, मसल्स में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, जबकि ये ऑक्सीजन को स्टोर या एक्यूमुलेट करने का काम करता है मसल्स में। और मायोग्लोबिन मोनोमर होता है, जबकि हीमोग्लोबिन टेट्रामर होता है। और मायोग्लोबिन के एक मोनोमर के अंदर, एक पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर 153 अमीनो एसिड होते हैं। इस तरीके से हमारा ये हीमोग्लोबिन वाला टॉपिक खत्म होता है। डेट्स ऑल।